तो हमारे साथ मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश, हमारे साथ है मिलन सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए, ये जो पीछे आप स्टूडेंट देख रहे हैं, इनका कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, आज इनका फाइनल फेयरवेल डे है और लास्ट में देखते हैं कि ये क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो चलिए पूछते हैं इनसे थ्रू आउट। चलिए, अपना नाम और आप कहाँ से? अभय कुमार, बिहार से। आपका नाम? कृष्ण दत्त, हिमाचल से। आपका नाम? अफसर, बेंगलोर से। आपका नाम? चितरंजन कुमार, बुरहानुद्दीन कोइत से। आप? मेरा नाम हुसैन, राजस्थान से। चलिए, तो ये नाम आप डेली सुनते रहे होंगे, तो चलिए फाइनली अब पूछते हैं कि दिव्य सर के साथ फर्स्ट डे कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर। तो ट्रेसिंग की बात करें, फॉल्ट फाइंडिंग की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट की बात कैसी रही? मतलब बहुत बढ़िया रही। नॉलेज वाली की बिना नॉलेज? नॉलेज वाली रही यहाँ पे। चलिए, आपका दूसरे के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छी क्लास रही सर। मतलब कैसा, एक्सप्लेन करिए। बहुत अच्छा रहा सर, सब कुछ ही कंपोनेंट के बारे में, चाहे जैसी मर्जी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। ट्रेसिंग की बात करें, फॉल्ट फाइंडिंग की बात करें, बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं और आगे भी करेंगे। आपका देव सर के साथ कैसा रहा? जी सर, बहुत बढ़िया रहा और देव सर ने बहुत हमको सिखाया, नॉलेज दिया सर्किट के बारे में, डायग्राम के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, आईसी आइडेंटिफिकेशन और सभी प्रकार के आईसीज जो भी लगते हैं एसएमडी में। जी, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत नॉलेज मिला, नॉलेज वाली क्लासेस रही। चलिए, जैसे आपने हार्डवेयर अटेंड किया, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्लास कैसी रही? सॉफ्टवेयर क्लास बहुत बढ़िया रही सर। मतलब अपडेट की? अपडेट है सब, टोटल हाँ अपडेट है, अपडेट वाली क्लास, हाँ अपडेट वाली। चलिए, आप बताइए आपका सॉफ्टवेयर के साथ कैसा? सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया रहा सर, जो नॉलेज करता था, मैं पहले भी सॉफ्टवेयर करता था सर, लेकिन उतनी डीपली नॉलेज नहीं थी पहले, अब सब कुछ पता लग गया कि कौन कैसा कैसे क्या लेना है, बहुत सारी चीजें। जी सर, आपका सफर सॉफ्टवेयर? जी सर, बहुत बढ़िया रहा और ए टू जेड नॉलेज मिली एएमएमसी से और अनलॉकिंग एफआरपी सॉफ्टवेयर का सब नॉलेज मिला और ए टू जेड मिल गया, बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज मिले यहाँ पे। चलिए, लास्ट फाइनली फिर आपने मिलन सर के साथ अटेंड किया, जिसमें ब्लैक पेस्ट, डुअल टेकर, एमएमसी चेंज, यूएफएस प्रोग्रामिंग, कैसा रहा मिलन सर? बहुत बढ़िया रहा सर, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। ब्लैक पेस्ट पे काम करते थे आप? नहीं सर, ब्लैक पेस्ट पे काम अभी कितने बोर्ड पे काम किया आपने? हम 5 बोर्ड पे काम किया। 5 बोर्ड डेली प्रैक्टिस कर रहे थे? केवल डेली दो एक बोर्ड डेली कर रहे थे। तो चलिए, आपका मिलन सर कैसे? बहुत अच्छा रहा सर मिलन सर के साथ, और ब्लैक पेस्ट हमने कोई 5-6 बोर्ड किए सर। 5-6 बोर्ड किए, तो कैसा हैंड स्किल इंप्रूवमेंट? हैंड स्किल भी अब धीरे धीरे बढ़ा, मतलब वैसे तो यहाँ पे हो गया हल्का फुल्का, लेकिन और प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ब्लैक पेस्ट, और बात करें प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग का भी बहुत अच्छा रहा सर इनका। चलिए, आपका मिलन सर साथ कैसा सफर? जी सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और ब्लैक पेस्टिंग की, डुअल डेकर की और एमएमसी की नॉलेज मिली मिलन सर से। जी। और बहुत इजी और सरल तरीके से मिलन सर ने समझाया और बहुत अच्छा नॉलेज दिया और हैंड स्किल में इम्प्रूवमेंट। लास्ट में आपने डुअल डेकर किया? जी सर, किया, आज किया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हमारे साथ 3 स्टूडेंट और है, जो कि मिलन सर पूछेंगे थ्रू आउट इनका कैसा रहा। बिल्कुल सर, हमारे साथ जो 3 स्टूडेंट है, मैं उनसे बात करूंगा थोड़ा। जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन है सर, राजस्थान। बताइए कैसा रहा आपका सफर और कैसा रहा देव सर के साथ आपका प्रैक्टिकल? सर बहुत अच्छा, देव सर का जो थ्योरी वगैरह था वो बहुत अच्छा, उन्होंने प्रैक्टिकली भी हर चीज़ सिखाया, उन्होंने बेसिक से एडवांस तक पूरा हमको सिखाया सर, बहुत अच्छा सिखाया। आपका कैसा रहा सफर देव सर के साथ? सर बहुत अच्छा रहा, देव सर ने हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप बताया, हर एक कंपोनेंट की पहचान बताई, कौन सी रीडिंग कहाँ पे आती है, जीआर के बारे में बताया, हर एक आईसी की पहचान करवाई, और सर ने ये भी बताया कि अगर स्केमेटिक नहीं होता है तो कैसे ट्रेसिंग करना है और कैसे स्केमेटिक बनाना है, मतलब जीरो से एडवांस तक हर चीज़ सिखाया है। अगर हमारे पास कोई ऐसा बोर्ड भी आ जाता है जिसका कोई भी मतलब स्केमेटिक ना हो तो भी हम आराम से कर सकते हैं, और कौन सी आईसी कौन से बोर्ड में से फाइंड करके फिर कैसे उसको बाईपास करना है, फिर बहुत सारी निंजा टेक्निक वगैरह है वो बताई, जंपर के बारे में बताया कि कहाँ से कौन सा बाईपास कर सकते हैं, कौन सी आईसी बाईपास कर सकते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ का एकदम डीप नॉलेज मिला है सर, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही वर्थ है और अगर आगे जाके हमें कुछ करना है तो बहुत काम आएगा ये सर। बिल्कुल सर, आपका कैसा रहा देव सर के साथ? बहुत अच्छा रहा सर, हम प्रेशर हैं सर इस लाइन में जी, लेकिन कंप्लेंट का नॉलेज डीप लेवल का मिला, जिससे कि कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस, ये सब का सभी चीज़ का, और क्या कहते हैं कि आईसी का ट्यूबलेस लाइन का भी नॉलेज मिला हमको यहाँ पे देव सर से। जी, और उसके बाद आपने दुर्गेश सर से मिले, आपका सॉफ्टवेयर नॉलेज कैसा बढ़ा या आप पहले से सॉफ्टवेयर करते थे या कैसा रहा? दुर्गेश सर का बहुत अच्छा रहा सर, उन्होंने पूरा फ्लैशिंग के बारे में, अनलॉकिंग के बारे में हर कुछ पूरा डीपली उन्होंने सिखाया पूरा। उसका दुर्गेश सर के साथ आपका भी कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा सर, दुर्गेश सर ने स्टार्ट से बताया कि हर चीज़ कैसे एफआरपी है, फिर सॉफ्टवेयर कैसे करना है, फिर कभी कोई एरर आ रहा है तो कैसे उसको फॉर्मेट करना है, फिर कैसे एक जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे रीड करके उसका वर्जन, जैसे हमको सैमसंग वगैरह का पता नहीं था तो उन्होंने बताया कि कैसे उसको रीड करना है, और हर टूल के बारे में बताया कि कौन सा टूल किसके लिए स्पेसिफिक है और कौन सा टूल कौन से सीपीयू के लिए बेस्ट है, तो हर चीज़ के बारे में सर ने हमको बताया। उसको दुर्गेश सर
सर के साथ आपका सॉफ्टवेयर का नॉलेज? सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा रहा सर, शुरू से अंत तक का समझे सर, डीप नॉलेज का मिला। और कहते हैं सॉफ्टवेयर में जैसे MTK का हुआ फ्लैशिंग और अनलॉकिंग, और अनलॉक का फ्लैशिंग अनलॉकिंग टोटल अच्छा नॉलेज। उसके बाद आप मेरे से मिले, आप मेरे साथ क्लास हुआ, मेरे साथ MMC चेंज से शुरुआत। बहुत मिलन सर ने बहुत अच्छा सिखाया सर, MMCC के बारे में हर चीज़, हर कौन सा फाइल मतलब कैसे फ्लैशिंग करना है, कैसे हर चीज़, UFI के बारे में, UFS के बारे में सब कुछ बहुत डीपली नॉलेज। आपका कैसा रहा सफर मेरे साथ ब्लैक पेस्टर से? बहुत ही अच्छा रहा सर। सर आपने हर चीज़ बताया, जैसे CPU और EMMC को कैसे पेयर करते हैं, कैसे उसको जंपर करना है, या फिर कैसे उसको प्रोग्राम करना है, कहाँ पे कौन सा फाइल डालना है, पूरे एक एक पार्टीशन के बारे में बताया, और हर चीज़ डीपली बताया सर आपने। आपका कैसा रहा सफर? मेरा भी सर ठीक रहा आपके साथ में सर, लेकिन पहले तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी जैसे कि पहला दिन MMC का क्लास हुआ तो शुरू से डीप नॉलेज मिला, जैसे कि आप फाइल कैसे थी, कैसे मतलब बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं टोटल। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।